तो कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो है सर जीज़ स्कूल ऑफ आर्ट के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में ये एंट्रेंस टेस्ट बैचलर इन फाइन आर्ट जो विजुअल आर्ट के डिग्री के लिए है ये एंट्रेंस टेस्ट का नाम है एम ए एच ए सी सी ई टी जो सिर्फ सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के लिए नहीं है ये महाराष्ट्र में कोई भी आर्ट कॉलेजेस के लिए है ये एंट्रेंस टेस्ट में होते हैं चार पेपर्स जिसमें तीन है प्रैक्टिकल पेपर्स और एक है एम तो पहला पेपर है ऑब्जेक्ट ड्राइंग तो पहला है ऑब्जेक्ट ड्राइंग जिसमें आपको कोई भी नेचुरल या मैनमेड ऑब्जेक्ट दिया जाएगा जिसको आपको ड्रा करना है और पेंसिल शेडिंग करना है तो इसमें आपका मार्किंग देखा जाएगा कि आप कितने रियलिस्टिकली ये ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहे हो और कितने अच्छे से इसको कंपोज कर रहे हो जो आपको टू डी सर्फेस दिया है उसमें ये ऑब्जेक्ट कैसे थ्री डिमेंशनल दिख रहा है उस पर आपका मार्किंग होएगा एट द सेम टाइम आप जो टूल यूज़ कर रहे हो जैसे कि पेंसिल शेडिंग इसमें आपका शेड और टेक्स्चर भी देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे से उस मीडियम को यूज़ कर रहे हो दूसरा पेपर है टू डी डिज़ाइन तो टू डी डिज़ाइन में आपको रिक्वायर्ड लाइन शेप और फॉर्म और एक्सपेक्टेड साइज दिया जाएगा जिसमें आपको टू डी डिज़ाइन कंपोज करना है इसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में ध्यान देना है कलर्स के बारे में ध्यान देना है और आप कैसे अपना डिज़ाइन एग्जीक्यूट करोगे इसमें चैलेंज ये है कि आपको लिमिटेड टाइम एक घंटा मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली या उससे मोस्टली एक घंटा तो इसमें आपको ये कंप्लीट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा होता है तो इसमें आपका मार्किंग देखा जाएगा आपके डिज़ाइन सेंस के ऊपर आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आपको कितना पता है और कलर्स के बारे में कि आप कौन से कलर यूज़ करते हो कलर के टेन टोन शेड्स कैसे यूज़ करते हो टू कंपोज द डिज़ाइन इसके ऊपर आपका मार्किंग किया जाएगा तीसरा पेपर है मेमोरी ड्राइंग तो मेमोरी ड्राइंग में आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा जैसे कि गणेश उत्सव रेलवे स्टेशन बस स्टैंड दिवाली ऐसे कोई भी टॉपिक्स दिया जाएगा जिसको आपको मेमोरी से याद करके आपको ड्रॉ करके पेंट करना है तो इसमें आपका देखा जाएगा विजुअलाइजेशन ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हो आपको एनाटॉमी के बारे में कितना पता है आपको पर्सपेक्टिव का कितना नॉलेज है तो ये सब चीज़ों से आप कैसे एक मेमोरी कंपोज कर सकते हो ड्रॉ करके पेंट कर सकते हो एन अलिमिटेड गिवन टाइम दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली वन आवर तो ये तीनों पेपर के बेसिक्स एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट में जो महाराष्ट्र में होता है एथ या नाइन्थ स्टैंडर्ड में उसमें कवर किया गया है लेकिन यहाँ पे आपका चैलेंज ये है कि आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में इसे कंप्लीट करना है जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो फोर्थ पेपर है जनरल नॉलेज एम तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे और ऑप्शन देंगे नॉर्मली ये क्वेश्चन आर्ट रिलेटेड होता है क्राफ्ट रिलेटेड होता है आर्टिस्ट के बारे में होता है और जनरल नॉलेज इंडिया के बारे में और लिटरेचर कुछ भी पूछ सकते हैं आपको लेकिन सिंपल होता है बस आपको थोड़ा रीडिंग करके जाना पड़ेगा ये एग्ज़ाम देने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये तीनों पेपर्स के लिए आप कोई ना कोई क्लासेस ज्वाइन कर ले या फिर आप एक साल का फाउंडेशन कोर्स भी कर सकते हो जो एक साल का फाउंडेशन डिप्लोमा कोर्स होता है महाराष्ट्र में ये भी कर सकते हो इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ों के बारे में डिटेल नॉलेज मिलेगा एक साल तक आपका प्रैक्टिस रहेगा तो मुंबई में इसके दो कॉलेजेस हैं एक मॉडल आर्ट इंस्टीट्यूट दादर में है और एक इंडियन आर्ट इंस्टीट्यूट जो चर्नी रोड में है ये दो कॉलेजेस में आपको एक साल का डिप्लोमा फाउंडेशन कोर्स भी मिलेगा एज़ वेल एज़ क्लासेस भी मिलेगा जो एक दो महीने के लिए होता है बिफोर द एंट्रेंस एग्ज़ाम ये एंट्रेंस टेस्ट सर जे जे स्कूल के दो कॉलेज़ के लिए वैलिड है सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड सर जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट सर जी स्कूल ऑफ आर्ट में छः डिपार्टमेंट्स है पहला है पेंटिंग सेकेंड स्कल्पचर थर्ड टेक्सटाइल डिज़ाइन मेटल वर्क इंटीरियर डेकोरेशन एंड सिरामिक्स तो ये डिपार्टमेंट्स अलग है और इसमें आपका मीडियम ऑफ वर्क जैसे कि आप पेंटिंग ले रहे हो तो आप कैनवस पेंटिंग और पेंटिंग्स के बारे में सीख रहे हो अगर आप स्कल्पचर ले रहे हो तो आप स्कल्पचर बनाना और स्कल्पचर का हिस्ट्री सीख रहे हो तो ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से अलग है तो आपको ये डिपार्टमेंट्स चूज़ करने पड़ेंगे एंड सेकेंड है सर जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट इसमें एक ही कोर्स है जिसमें आप कमर्शियल आर्ट सीखोगे लेकिन इसमें फाइनल ईयर में जो फोर्थ ईयर है उसमें आपको स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स का चॉइस मिलेगा इसमें आते हैं पांच सब्जेक्ट्स पहला है एलस्ट्रेशन सेकेंड फोटोग्राफी थर्ड लेटरिंग कैलीग्राफी एंड टाइपोग्राफी फोर्थ डिस्प्ले डिज़ाइन एंड स्टेज क्राफ्ट फिफ्थ कंप्यूटर ग्राफिक्स तो ये पाँच सब्जेक्ट्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो जो आपके डिग्री सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ आएगा लेकिन आपका जो मेन कोर्स है वो एक ही रहेगा जो सिलेक्शन ऑप्शन है जब आप एडमिशन करते हो सर जी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट के लिए तो वो एक ही ऑप्शन मिलेगा कमर्शियल आर्ट का एडमिशन प्रोसेस तो एडमिशन प्रोसेस में मैं दोनों कॉलेजेस के ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक करना है कि एग्ज़ामिनेशन डेट कब होगा ये आपको बताएंगे तो ये डेट्स में सबसे पहले आपको काम करना है कि सी सेंटर में जाके एम ए सी सी टी का ब्रोशर खरीदना है ये ब्रोशर मिलने के बाद सेकंड काम आपको ये करना है कि एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ामिनेशन फ़िल करना है तो ये आप इधर ऑनलाइन कर सकते हो या सी सेंटर में जाके फ़िल कर सकते हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है या फॉरेन नेशनल्स है उन लोग प्लीज़ महाराष्ट्र में आके ये रेस्पेक्टिव सी सेंटर्स और एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में आके फॉर्म फ़िल करना और अगर आप रिज़र्वेशन में आते हो रिज़र्वेशन कैटेगरी में आते हो तो आपको तो आपको अपना रिज़र्वेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर हिसाब आपके पास नहीं है तो तो बेटर यही होगा कि आप ये सी सेंटर्स में जाए और फॉर्म फिल करें इवन फॉर द एग्ज़ामिनेशन अब होगा सी ई एग्ज़ाम्स इसमें आपको जो रिस्पेक्टिव एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिया जाएगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे आपको वही सेंटर पे उस पर्टिकुलर डेट पे जाके एग्जाम्स देना है नॉर्मली ये चार पेपर जो मैंने आपको बताया है वो उसी स्पेसिफिक डेट पे होगा इसके बाद आता है एग्ज़ामिनेशन के रिजल्ट्स तो ये एग्ज़ामिनेशन रिजल्ट्स ऑनलाइन आएंगे जिसमें आपको आपका रैंक और मार्क्स पता चलेगा इसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन तो आपको जो भी डिपार्टमेंट पसंद है उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आपको वेट करना है अलाटमेंट रिज़ल्ट के लिए तो अलाटमेंट रिज़ल्ट में आपको पता चलेगा कि आपको एडमिशन मिला या नहीं इसके तीन राउंड्स होते हैं कैप राउंड वन कैप राउंड टू और कैप राउंड थ्री ये आपको आपके ब्रोशर में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे अगर आपको सीट्स अलाट हुए तो फिर आता है एडमिशन ये एडमिशन के डेट्स आपको ऑनलाइन डिस्प्ले हो जाएंगे तो आपको वो डेट पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके ब्रोशर में दिया गया है वो लेके और जो भी रिक्वायर्ड जेरोक्स कॉपीज है उसके साथ आपको आपके स्पेसिफिक कॉलेज में जाके एडमिशन्स लेना है तो ये था एडमिशन का प्रोसेस रिमेंबर आपको अगर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन्स मिलना है तो आपको टॉप रैंक्स में आना होगा सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स जो भी कोई एंट्रेंस दे रहा है जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया ये वीडियो बनाने के लिए सो दैट्स सेट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स सी यू सुन बाय